सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय हेयर स्टाइलिस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं हाइलाइट्स। सो देख सकते हैं क्लाइंट का कितना अच्छा लुक आया। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्लाइंट का बिफोर का लुक। सो अभी हम लोग इसमें जो कलर यूज़ करने वाले हैं वो है मजरल का 13 नंबर लाइटेस्ट ब्राउन कलर। उसके साथ जो हम लोग डेवलपर यूज़ करेंगे वो है 30 वॉल्यूम। इसका मिक्सिंग रेशियो होगा 1:2, मतलब हम लोग जितना ml कलर लेंगे उसका साथ उससे डबल हम लोग डेवलपर लेंगे। उसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये हम लोग ले लिए 9 ग्राम कलर एंड उसके साथ हम लोग लेंगे 30 वॉल्यूम, वो लेंगे हम लोग 18 ग्राम्स। सो इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन हम लोग करेंगे सेक्शन, दो डायगोनल बैक सेक्शन निकालेंगे एकदम लार्ज से, और बीच का जो ऑक्सीपिटल बोन का जो एरिया है उसको हम लोग सेपरेट कर देंगे। देन हम लोग साइड का जो डायगोनल सेक्शन है उससे वीव्स निकालेंगे। सो पहले हम लोग इसमें लेंथ में कलर को एप्लीकेशन करेंगे जिससे हम लोग का फॉइल होल्डिंग सही से हो जाए। देन हम लोग हेयर में कलर को अच्छी तरह से एप्लीकेशन करेंगे। सो एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए देन हम लोग उसको फॉइल को टाइटली क्लोज कर देंगे। और टाइट क्लोज कैसे करेंगे, हम लोग फॉइल का दोनों भाग का अगला हिस्सा को हल्का सा मोड़ देंगे जिससे हेयर टाइटली क्लोज हो जाएगा, जिससे फॉइल निकलने का चांसेस नहीं है। सेम दूसरा साइड भी करेंगे। सो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में रखा हुआ बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो सेम वैसे हम लोग पहले फॉइल को होल्डिंग करने के लिए लेंथ में कलर को एप्लीकेशन कर लेंगे, देन धीरे धीरे ऊपर की तरफ कलर को एप्लीकेशन करेंगे। सो बहुत अच्छे से आपको कलर को एप्लीकेशन करना है कि हेयर छूटना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से आपको कलर को एप्लीकेशन करना है। इसमें हम लोग ब्लीच नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रीलाइटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कलर को बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करना है कि कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ पे कलर नहीं आएगा तो वो पैची पैची दिखेगा। तो इसलिए अभी हम लोग ऊपर का जो बॉक्स सेक्शन है उसमें से लास्ट का जो सेक्शन है उसमें हम लोग कलर करेंगे। ये क्या करेगा, हम लोगों का बैक साइड का हेयर को कवर अप करेगा। ठीक है, बहुत फाइन वीव्स नहीं लेंगे हम लोग, मीडियम वीव्स लेकर काम करेंगे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कलर से हाइलाइट्स करने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा मीडियम वीव्स लेकर काम करेंगे। अगर इसको हम लोग ब्लॉन्ड से करते हैं तो हम लोग फाइन वीव्स से काम करते हैं। सो ये आप देख लीजिएगा कि आपका ऊपर है क्या, आप ब्लॉन्ड से काम कर रहे हैं कि कलर से काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग वीव्स को लीजिएगा। और एक चीज़ डिपेंड करता है कि आप लोग कितना सेक्शन में हाईलाइट्स कर रहे हैं, जितना कम में कीजिएगा उतना मोटा वीव्स होंगे, और जितना ज़्यादा सेक्शन में हाईलाइट कीजिएगा उतना फाइन वीव्स से काम होंगे। सो कलर को अच्छी तरह से हम लोग एप्लीकेशन कर लेंगे। देन इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। सो ऐसे करके हम लोग फुल हेयर को कंप्लीट करेंगे। टोटल हम लोग 10 स्टिक यूज़ करेंगे ये कलर में। ठीक है, जो सेक्शन हम लोग ले रहे हैं वो हल्का सा डायगोनल सेक्शन लेके काम कर रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन जैसे दिखता है तो ज़्यादा कलर शो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हेयर में बहुत ही कम वीव्स निकालने वाले हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना डायगोनल सेक्शन लेके काम किया जाए उतना अच्छा। सो ये हम लोगों का वीव्स निकल गया।
आप ऐसा भी कर सकते हैं, फॉइल के नीचे पहले कलर को एप्लीकेशन कर दिए जिससे आपका हेयर स्टिकी हो जाए कि फॉइल होल्डिंग में आसानी हो। सो ऐसे करके हम लोग फुल सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। सो इस साइड मैंने जैसे किया कर रहा हूँ उस साइड भी मैंने वैसे किया है। सो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा कट कर दिया। से आपको सेम वैसे करना है, मैंने जिस जैसा इस साइड किया वैसा सेम ही उस साइड किया है। तो आपको ये चीज़ को फॉलो करना है और सामने का बेबी है जो भी है उसको अवॉइड करना है, उसमें कलर नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा फेस का सामने लाउड हो जाता है तो वो बहुत ही ऑड दिखता है। ठीक है, ये हम लोगों का लास्ट सेक्शन है। ये हो गया हम लोगों का लास्ट सेक्शन। ये कंप्लीट हो गया, देन हम लोग इसको भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, कलर को बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, कलर को बहुत अच्छे से एप्लीकेशन करना है। एक बार फुल एप्लीकेशन हो जाए देन हम लोग इसको 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सो लीव फॉर 45 मिनट्स। सो ये रहा मेरा फॉइल का प्लेसमेंट, देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है। सो अभी हम लोग इसको पहले वॉश कर लेंगे और जो वॉश करेंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे इसमें कलर गार्ड का शैम्पू, लॉरियल प्रोफेशनल का विटामिनों का शैम्पू यूज़ करेंगे। पहले हम लोग पानी से अच्छी तरह से रिंस आउट कर लेंगे, देन हम लोग विटामिनों कलर से शैम्पू करेंगे। बहुत अच्छे शैम्पू कर लेंगे, उसके बाद इसी का मास्क एप्लीकेशन करके 10 मिनट छोड़ देंगे, देन सी द रिजल्ट। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टाटा।